अटैक, खबरें 30 सेकंड में, डाउनलोड करें तक ऐप। देश में सांप, छुछुंदर, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली सबकी गिनती हो सकती है, तो आखिर केंद्र सरकार जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है? हमारा स्पष्ट मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आगे बढ़े, गठबंधन की भी चिंता नहीं करनी है, पहले देश है, पहले राज्य है, देश का विकास है, तभी जाकर राज्य सरकारें हैं। हमें किसी भी गठबंधन की चिंता नहीं करनी है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे आग्रह है, आप आगे बढ़िए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आपके सिपाही के जैसे आपके पीछे खड़ी है। जातीय जनगणना देश की आवाज है, देश के गरीब, पिछड़े, दलित, अकलियत सबकी आवाज है, और इस आवाज को बुलंद करने की जिम्मेवारी आपको मिली है। कोई भी राजनीतिक दल अगर इससे पीछे हट रहा है तो वो निसंदेह देश के खिलाफ है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह जी का जो ऑफर आया है, ये ऑफर उनके डर का नतीजा है। राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान को पता है कि राजद के विधायक, कई ऐसे विधायक हैं जो एनडीए समर्थित दलों के संपर्क में हैं, और उन्हें डर है कि कहीं खरमास के बाद राजद के विधायक टूटकर एनडीए में शामिल दलों के साथ नहीं चले जाए। इसलिए अपने विधायकों को गोलबंद करने के नजरिए से जगतानंद सिंह जी अब खुद को सरकार के साथ बता रहे हैं। अगर जगतानंद सिंह जी को लगता है कि नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं तो काम की तारीफ करें ना, सिर्फ ये करें हम आपको साथ देंगे। अरे क्या साथ देंगे? शराबबंदी के कानून पे खुले मंच पे कहिए कि कानून अच्छा है, हमारी यात्रा है, उसकी तारीफ करिए। आप काम के खिलाफ भी बोलते हैं और कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। कैसा साथ खड़े हैं? ये सब अपने विधायकों को एकजुट करने का तरीका है। राजद के विधायक टूट रहे हैं, इस टूट को बचाने के लिए जगतानंद सिंह जी ने इस तरीके का बयान दिया है।